दोस्तों, वैसे तो इंडिया में बहुत से हिडन प्लेसेस हैं, मगर आज हम आपको लिए चलते हैं जम्मू के कटरा शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा धनसर के मंदिर में, जहाँ के सुंदर और शांत वातावरण आपके मन को मोह ही नहीं लेगा, बल्कि यहाँ का इतिहास और दीवारों पर बनी आकृति आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। यहाँ पर दीवारों पर ये आकृति जो बनी हुई है, इनके बारे में कटरा बाजार से हम चार लड़कों ने एक ऑटो बुक किया और चल दिए बाबा धनसर के मंदिर की ओर, जो कि कटरा बाजार से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पे था। सावन का महीना, उस पर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उसके बीच में ये खूबसूरत रास्ता। ओए होए 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 होए, वैसे आप में से बहुत से लोग कभी न कभी कटरा जरूर आए होंगे और माता वैष्णो के दर्शन करके चले गए होंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद आप जब भी कटरा आएंगे तो इस मंदिर में आना नहीं भूल पाएंगे। प्रकृति भी क्या खूब है, इसने अपने आप को ऐसा तराशा है कि देखने वाला बस देखता रह जाता है। आखिरकार हम आ ही पहुंचे बाबा धनसर के मंदिर में, और इस मंदिर की बनावट कुछ ऐसी है कि पहाड़ी से नीचे उतरने पर पड़ता है। इसके लिए आपको पूरे 76 स्टेयर्स उतरने पड़ेंगे। ऐसे 60-70 सीढ़ियाँ हैं जिन्हें उतर कर हम लोग नीचे मंदिर तक जाएंगे, और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है जय बाबा धनसर। यात्रियों से निवेदन है कि बंदरों से सावधान रहें, प्रसाद वगैरह आपको मंदिर के पास मिल जाएगा। तो उसी जानकारी के साथ हम लोग नीचे चलेंगे बाबा के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। इस पूरे ही रास्ते में खाने पीने पूजा पाठ से रिलेटेड बहुत सी दुकानें थीं, जहां आपको आपके मतलब का सामान मिल जाएगा। इस पूरे ही रास्ते को जाल से कवर किया होता है ताकि बंदरों से बचाव हो सके, क्योंकि बंदर आपके हाथ में कुछ खाने की लालसा से आपके ऊपर झपटा मार सकते हैं, इसलिए ये जाल जरूरी था। तो दोस्तों, मंदिर में 40 से 50 सीढ़ी नीचे उतरने पर यहाँ आपको दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं, एक रास्ता नीचे की ओर जा रहा है और एक रास्ता इस साइड जा रहा है। तो अगर आप मंदिर पहले जाना चाहते हैं तो आपको इस साइड जाना पड़ेगा, और अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो नीचे वाटरफॉल है। अगर आप वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले मंदिर चलेंगे उसके बाद वाटरफॉल। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना और एक छोटा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।
मंदिर की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। इतनी सुंदर झरना, इतनी सुंदर लोकेशन, चारों तरफ वृक्षों से घिरा हुआ यह मंदिर, जितना सुंदर उतना ही पवित्र। बहुत कम भक्तों को इसकी जानकारी है, जिसके कारण यहाँ भीड़ ना के बराबर है। और हम लोग आए हैं यहाँ पर, जय अवध हमसार, मन करता है कि यहीं बस जाए। इन सीढ़ियों पर, पत्थरों पर कलाकृति उभरी हुई है, जिनके बारे में हम यहाँ से पंडित जी से पूछेंगे। वहाँ साइड में माता पार्वती और महादेव जी विराजमान है नंदी के साथ में। और यहीं पर हम लोग चप्पलों को उतार कर मंदिर की ओर चलते हैं। दोस्तों, आप ऊपर वाले में विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन ऐसी जगह आपको पॉजिटिव फील जरूर देती है। और मैं जानकारी चाहता है इस मंदिर के बारे में, यहाँ पर दीवारों पे ये आकृति जो बनी हुई है इनके बारे में, तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ये भैया शेषनाग का मंदिर है, बाबा धनसर सामने ये बड़ी पिंडी में विराजमान है, उनके साथ महाकाली है छोटी पिंडी में। ये पूरा परिवार बाबा धनसर का है, बाबा धनसर शेषनाग है, ये इनका सामने चित्र लगा हुआ है। और ये झील में रहते हैं, इस झील में, यहाँ पे झील है जो, ये नेचुरल पानी है, यहाँ पे 200 मीटर के अंदर है, अपने आप निकलता है, गुप्त गंगा है। ये भोले बाबा के भक्त है, 12 साल भक्ति करी हुई है इन्होंने उनकी, फिर वो सामने ऊपर गुफा में दर्शन दिए हुए हैं उन्होंने पूरे परिवार के साथ। जो भी है यहाँ पे सब नेचुरल है। इस मंदिर की खास बात है, यहाँ कोई भी मनोकामना करनी हो, किसी भी काम या किसी भी चीज़ को लेके, वो यहाँ पे पूरी होती है। वासुकीनाथ को आप लोग जानते होंगे, उनके बेटे हैं, उनके 22 बेटे 84 पोते हैं, 22 बेटे 84, हाँ जी, उनमें से एक बाबा धनसर है, पूरा का पूरा परिवार J&K में है। हाँ जी, ये यहाँ के दर्शन। कितना समय हो गया मंदिर? ये भैया बहुत पुराना है, इनकी यहाँ पे पिंडी रूप में स्थापना हुई है। ऐसे ये नाग है, नागों के दर्शन देते हैं पानी में नेचुरल, इनकी यहाँ पे 700 वर्ष पहले स्थापना हुई है। पंडित जी नीचे यहाँ पे झरना भी है, हाँ, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। वो झरना भैया वैष्णो देवी से पानी आता है, वो वाला वो नीचे से जाता है, ये जो है ये यहाँ पे नेचुरल है, इतना ही पानी है, ये अलग है वो अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि बाबा धनसर की तपस्या से खुश होकर महादेव ने सपरिवार दर्शन दिए, तो आइए चलते हैं हम भी महादेव के दर्शन करते हैं, जो कि इस गुफा में विराजमान है। कलकल बहता झरना, चिड़ियों की चहचहाट और ये शांत वातावरण आपके मन को मोह लेगा। अब बारी थी वाटरफॉल एक्सप्लोर करने की। हमारा बैड लक, पानी कम होने के कारण वाटरफॉल सूखा हुआ था, मगर आप जब आइएगा तो वाटरफॉल देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।